तो दोस्तों कई बार आपको भी इस तरह के सेंटेंसेस सुनने को या फिर बोलने को मिले होंगे, जैसे कि हमें रोज खुली हवा में जाना चाहिए, या फिर हम तो खुली हवा में घूम रहे हैं, या फिर खुली हवा में घूमना अच्छा होता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें हम बोलते हैं खुली हवा में, तो इसको हम हिंदी से इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, चलिए देखते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारी एडवांस इंग्लिश की बुक को परचेज नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कर लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने वाले स्ट्रक्चर को पर, जिसमें आपको यूज करना है आउट ऑफ डोर्स। आउट ऑफ डोर्स का मतलब होता है बाहर खुली हवा में, यानी कि आपके घर से बाहर, आपके खिड़की दरवाजे जो भी घर में हैं उनसे बाहर आप जाकर जो है खुली हवा में घूम रहे हैं, यानी कि आप अपने घर में बंद नहीं हैं। तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले आपको अपना सेंटेंस लिखना है और उसके बाद आपको लिखना है आउट ऑफ डोर्स, यानी कि हर चीज़ बंद चीज से बाहर। डोर का मतलब आप क्या होता है, डोर का मतलब दरवाजे होते हैं, सीधा आप जानते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। हमें रोजाना खुली हवा में सैर करना चाहिए, इसकी इंग्लिश देखिए, वी शुड हैव ए डेली वॉक आउट ऑफ डोर्स। यहाँ पर देखिए वी शुड हैव ए डेली वॉक, ये आपका क्या है सेंटेंस है, और उसके बाद आउट ऑफ डोर्स ये आपका स्ट्रक्चर से आ गया है। यहाँ पर मैंने हैव का यूज किया है जो है खुली हवा में सैर करने को। यहाँ पर देखिए हम खुली हवा में घूम रहे हैं, वी आर वॉकिंग आउट ऑफ डोर्स। नेक्स्ट देखिए उसे खुली हवा में घूमना ही चाहिए, ही शुड हैव टू वॉक आउट ऑफ डोर्स। यहाँ पर आप मस्ट का भी यूज कर सकते हैं लेकिन मैंने शुड हैव टू का यूज किया है। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है, तुम खुली हवा में क्यों नहीं घूमते, तो इसको आपको ट्रांसलेट करके हमें बताना है। थैंक यू।